सिंगरौली में पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले कारोबारियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इनके पास से 1.5 लाख से ज्यादा कीमत की हेरोइन जब्त की है। सिंगरौली के बैढ़न में पुलिस ने मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस अधीक्षक टी के विद्यार्थी के निर्देश पर थाना प्रभारी अरुण पांडे ने मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले 3 आरोपियों संतोष शाह, कमलेश शाह और जावेद खान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इनके पास से 11 ग्राम हेरोइन जब्त की है, जिसकी कीमत लगभग 1,75,000 बताई जा रही है। पुलिस ने इन तस्करों पर NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। मुखबिर द्वारा इस आशय की सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग नशे का कारोबार कोतवाली थाना अंतर्गत फैला रहे हैं, तो इस प्रकार की सूचना प्राप्त होने पर पुलिस द्वारा मुखबिर लगाए गए और मुखबिर की सूचना के आधार पर 3 व्यक्तियों को, जिसमें से कि जावेद मुसलमान जो तुलसी मार्ग बैरन का है, कमलेश शाह तथा संतोष शाह को पुलिस द्वारा पकड़ा गया। तीनों के कब्जे से कुल 11 ग्राम हेरोइन, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमत करीबन 2.25 लाख रुपए है, जब्त की गई है और तीनों को गिरफ्तार करके पुलिस द्वारा वैधानिक कार्यवाही की गई है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।